आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSC ग्रामीण ई स्टोर के बारे में, जो है बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क है जो 10,000 ग्रामीण तक अपना पहुंच बना लिया है। तो किस तरीके से आप CSC ग्रामीण ई स्टोर पे अपना किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से आप जो है इस पे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से CSC ग्रामीण ई स्टोर पर आप अपना खुद का अकाउंट किस तरीके से आप इस पे क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। अगर आप इस पे अपना अकाउंट बना लेते हैं तो किस तरीके से आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे किस तरीके से CSC ग्रामीण ई स्टोर पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे बिग बास्केट, ग्रोफर, ये जो है बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन जो है आपको CSC ग्रामीण ई स्टोर जो है ग्रामीण तक 10,000 पर्सन तक जो है ये पहुंच बना लिया है। आपको इस वीडियो में ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है आप CSC ग्रामीण ई स्टोर में आप अपना खुद का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, अगर आपका जो है इस पे अप्रूव हो जाता है तो किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करना है, वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। अगर यही जो काम जो है, अगर आप जाइएगा दुकान वाले के पास तो वहाँ पर जो है आपको 300 रुपीज़ चार्ज कर देगा और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको CSC ग्रामीण ई स्टोर में आपको रजिस्टर होना है। तो आपको फ्री में कैसे CSC ग्रामीण ई स्टोर में आपको रजिस्टर होना है, वो सारा प्रोसेस जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप जो है एक बार देख लेते हैं तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान पर जाकर खड़े होने के, पैसे बर्बाद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ये काम कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे किस तरीके से CSC ग्रामीण ई स्टोर में आप अपना अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। तो इस वीडियो को जो है आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप जो है सब कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे CSC ग्रामीण ई स्टोर के बारे में। ये बहुत बड़ा पिन कोड है जो 10,000 पिन कोड तक ग्रामीण तक अपने पहुंच बना ली है। ये एक ऑनलाइन स्टोर है, जैसे बिग बास्केट, ग्रोफर, जियो मार्ट से ऑनलाइन सामान खरीदा जाता है, उसी तरह का आप CSC ग्रामीण ई स्टोर से आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। बिग बास्केट, ग्रोफर और जियो मार्ट जैसे कंपनी बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन CSC ग्रामीण ई स्टोर की पहुंच गांव तक हो चुकी है और छोटे से छोटे गांव तक होने वाली है। इसमें तीन लोगों का रोल होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें कंपनी टाइप करती है और उसको सामान देती है, और एक आता है VLE जिसके पास CSC ID है, वो एक ई स्टोर बनाता है ऑनलाइन और वो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेता है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है ई स्टोर डिलीवरी ऐप, जिसको कोई इसको डाउनलोड करेगा, कस्टमर इसको डाउनलोड करेगा और इसमें स्टोर फाइंड करेगा। VLE जो स्टोर बनाते हैं वो कस्टमर को इस एप्लीकेशन में जो है इस एप्लीकेशन में शो होंगे, और इन स्टोर में जो सामान ऐड किया हुआ होता है तो वो भी कस्टमर को शो होता है, तो कस्टमर कोई भी सामान यहाँ पर फाइंड करता है और ऑर्डर प्लेस करता है, तो ऑर्डर VLE को मिल जाता है। VLE उसको अप्रूव या रिजेक्ट भी कर सकता है, अगर वो अप्रूव करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेकर के कस्टमर तक पहुंचा देगा और कस्टमर से पैसे ले लेगा। अगर आप कस्टमर हैं तो आप यहाँ पे CSC ग्रामीण ई स्टोर के लिए डिलीवरी ऐप डाउनलोड करेंगे, अगर आप ई स्टोर है तो आप यहाँ पर ई स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर ऐप डाउनलोड करेंगे, अगर आप VLE है तो आप यहाँ पे CSC ग्रामीण ई स्टोर VLE ऐप डाउनलोड करेंगे।
अब मैं दिखाऊंगा कि अगर आप VLE है तो आप अपना स्टोर कैसे सेटअप करेंगे। अगर आप VLE है तो आप यहाँ पर CSC ग्रामीण ई स्टोर VLE डाउनलोड करेंगे, या आप इस वेबसाइट पर आएंगे csc.estore.in। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि VLE लॉगिन सिंपली, अब इस पर क्लिक करना होगा आपको। आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट अप योर ऑन ई स्टोर, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो आप अपना यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इसके बाद आप जो भी ई स्टोर का नाम रखना चाहते हैं वो आपको नाम यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। मतलब जिस नाम से भी आप अपना ई स्टोर बनाना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है, और यही नाम आपके आसपास के कस्टमर को शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ इंजीनियर राजा जनरल स्टोर। इसके बाद यहाँ पे अपना फ्लैट, हाउस नंबर, बिल्डिंग, कंपनी, अपार्टमेंट नंबर डाल देना है। यहाँ एरिया, कॉलोनी, एस्टेट और सेक्टर का नाम डाल देना है। यहाँ विलेज, टाउन और सिटी का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना, जो भी स्टेट से है तो वो आपको यहाँ से स्टेट आपको चूज कर लेना है। इसके बाद स्टेट चूज करने के बाद आप सिंपली यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी इस पर ओके करेंगे। या जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको, तो इसमें से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट से है। इसके बाद यहाँ पर अपना एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसको आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना, जैसे अपर लेयर, लोअर लेयर, एक नंबर और स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आप दोबारा से यहाँ पासवर्ड को कन्फर्म कर देंगे। यहाँ पर अगर GST नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो इसको आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर ई स्टोर का टाइप चूज कर लेंगे, ई स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर और बोथ। तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना, आप स्टोर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या दोनों बनना चाहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको कंपनी से सामान लेके आपको डिस्ट्रीब्यूटर को जो VLE है उसको देना पड़ेगा। अगर आप ई स्टोर बनाते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेंगे और कस्टमर तक पहुँचाएंगे। अगर आप बोथ चूज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर और ई स्टोर है आप दोनों बन सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम ई स्टोर चूज करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना जो CSC ID वो डालना है। अगर CSC ID नहीं है तो सिंपली यह फर्स्ट साइकिल रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ है सेंसस कोड, तो यहाँ पे यह सेंसस कोड जो है ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको सेंसस कोड चाहिए तो आप अपने एरिया के गूगल में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ मोबाइल नंबर आपका सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए हो गया है। इसको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना, जो भी पासवर्ड आप सेट किए थे। यहाँ कैप्चा डाल के सिंपली यहाँ पर लॉगिन पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यूजर नोट अप्रूव, काइंडली कॉन्टैक्ट योर एडमिन। तो आपको वेट करना होगा इसके अप्रूवल के लिए। अगर आपको यहाँ पे एक हफ्ते में भी अप्रूवल नहीं मिलती है तो आपको CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से इसकी आप कंप्लेन करनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और यहीं से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी सामान लेने के लिए। तो कोई भी कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा तो यहीं पे आपको ये पोर्टल में शो होगा, और आप यहीं पे आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको अप्रूव करते हैं तो आपको वो सामान आपका कस्टमर तक डिलीवर करना होगा। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से CSC ग्रामीण ई स्टोर में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ये बहुत ही बड़ा ये नेटवर्क हो चुका है अभी के टाइम में। पहले जो था कोई कोई आदमी जो है इस पर रजिस्टर हो रहा था, बट जो है अब इस पर जो है हर इंसान रजिस्टर होना चाहता है, अपना अकाउंट बनाना चाहता है और ऑनलाइन जो है शॉपिंग करना चाहता है। तो इस वीडियो में आपने सीखा है किस तरीके से क्या करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।